नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्टर और ड्यूल इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है तथा इन्वर्टर एसी आपकी बिजली कैसे बचाता है व अगर आपने एसी को सही तरीके से नहीं लगवाया तो एक ड्यूल इन्वर्टर एसी भी आपका नकारा साबित हो सकता है। इन्हीं सभी बातों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और यह भी आपको मैं बताऊंगा जब भी आप कोई भी एयर कंडीशनर लगवाएं तो आपको वो क्या बातें हैं जिनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका 50,000 रुपये का एसी कबाड़ ना बन जाए। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप सामने जो एसी देख रहे हैं दोस्तों, यह है LG कंपनी का MSQ18KNZA मॉडल नंबर का ड्यूल इन्वर्टर एसी है। मैं आपको बताऊंगा कि यह आपकी बिजली की बचत कैसे करता है और इसका आपको लगवाने का क्या क्या फ़ायदा है और इसे क्यों लगवाना चाहिए और अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा एसी को इंस्टॉलेशन करवाते हुए या फिर टेक्नीशियन ने वो चीज़ें नज़रअंदाज कर दी तो आपका एयर कंडीशनर वो इन्वर्टर वाला कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सभी बातों को आपको हमेशा फोकस में और ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वर्टर एसी हो या फिर ड्यूल इन्वर्टर एसी, उनमें एक बात कॉमन होती है कि उसके अंदर जो कंप्रेशर इस्तेमाल किया जाता है वो डीसी वोल्टेज पर ही चलता है और इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। मैं आपको और ज़्यादा गहराई से आगे वीडियो में बताऊंगा कि यह कैसे कार्य करता है और साथ साथ हम यह कैसे बिजली की बचत करता है उस पर भी हम विस्तार रूप से जानेंगे। अभी आपने देख लिया होगा कि हमने एयर कंडीशनर को इंस्टॉल कर दिया है, अब हम उसमें गैस छोड़ने जा रहे हैं। आप जब कभी भी एयर कंडीशनर को लगवाएं तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, चाहे वो ड्यूल इन्वर्टर हो या फिर आपका सिंपल एयर कंडीशनर हो, आपको हमेशा पाइपिंग पूरी होने के बाद हमारी पूरी यूनिट को वैक्यूम करवाना सुनिश्चित करें। यह बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है और आपको कभी भी यह स्किप नहीं करना चाहिए और किसी भी टेक्नीशियन को यह स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं आजकल हमारे एयर कंडीशनर में R410A या फिर R32 रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी प्रेशराइज हमारा रेफ्रिजरेंट होता है और अगर हम पाइपिंग को पूरी यूनिट को वैक्यूम नहीं करेंगे तो इससे हमारा जो एयर कंडीशनर है उसकी कूलिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और हमारे कस्टमर को भी उसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर एयर कंडीशनर अपनी पूरी एफिशिएंसी से कूलिंग नहीं करेगा तो कस्टमर का एक इन्वर्टर एसी या फिर ड्यूल इन्वर्टर एसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। दोस्तों इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कभी भी आप वैक्यूम वाले प्रोसेस को स्किप ना करें और सदा वैक्यूम करें एक यूनिट को। तो मेरे दोस्तों, हमने लगभग एयर कंडीशनर को इंस्टॉल कर दिया है और हमने स्टेबलाइजर का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक भ्रांति यह फैली हुई है इन्वर्टर और ड्यूल इन्वर्टर एसी के बारे में कि उस पर स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सदा कोई भी आपका एयर कंडीशनर हो हमेशा स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें और उत्तम क्वालिटी के स्टेबलाइजर का ही इस्तेमाल करें। इससे आपके एयर कंडीशनर यूनिट की एफिशिएंसी और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों इसमें कभी भी आप कोताही ना बरतें। दोस्तों हमने एयर कंडीशनर को ऑन कर दिया है, अब हम यह जानेंगे कि इन्वर्टर एसी और ड्यूल इन्वर्टर एसी में क्या फ़ायदा है और यह हमारी बिजली की बचत कैसे करता है। अभी आप सामने देख रहे हैं कि हमारा एयर कंडीशनर 1.2 एम्पेयर ले रहा है। जैसे जैसे हमारे एसी अपने टेम्परेचर की ओर दौड़ता जाएगा इसकी जो एम्पेयर है वो बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे हमने जो टेम्परेचर सेट किया है जब तक हमारा एयर कंडीशनर उस टेम्परेचर को अचीव करता जाएगा तो इसकी जो एम्पेयर है वो कम होती जाएंगी। यही वो खास बातें होती हैं जो इन्वर्टर एसी को अलग करती हैं एक सिंपल एसी से। मैं आपको और इसको इजीली समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसके बारे में पूरी तरह से समझ पाएँ, इसलिए कोई भी पॉइंट आप वीडियो का मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम इन दोनों एयर कंडीशनर की खूबियां और इनकी कमियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो अभी आप सुन पा रहे होंगे कि जो हमारा ड्यूल इन्वर्टर एसी होता है उसकी आवाज़ काफ़ी कम होती है और यह कंपनी भी दावा करती है। अब मैं आपको सिंगल इन्वर्टर और ड्यूल इन्वर्टर में अंतर बताता हूँ जो मूलभूत होते हैं। दोस्तों जो सिंगल इन्वर्टर एसी होता है उसमें एक सिंगल रोटर होता है, यानी कि कंप्रेशर एक होता है और उसमें सिंगल ही रोटर होता है। और दोस्तों ड्यूल इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर कंप्रेशर तो एक ही होता है लेकिन उसके अंदर जो रोटर होते हैं जो गैस को रोटेट करते हैं, जो गैस को कंप्रेस करते हैं, वो दो रोटर होते हैं, इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दोस्तों सिंगल इन्वर्टर एसी में आवाज़ कुछ ज़्यादा आपको आएगी,
क्योंकि उसमें सिंगल रोटर होता है, उसको पूरी एफिशिएंसी से कार्य करना पड़ता है। और दोस्तों डुअल इन्वर्टर एसी में आवाज़ थोड़ी कम यानी ना के बराबर आएगी, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है दो रोटर होने की वजह से। नंबर तीन दोस्तों, कूलिंग टाइप थोड़ा स्लो होगा सिंगल इन्वर्टर एसी का, क्योंकि उसमें एक रोटर होता है और उसे ही उस कंप्रेशर को पाना, उस टेम्परेचर को पाना होता है जो हमने सेट किया है। लेकिन दोस्तों कूलिंग टाइम फास्ट होता है डुअल इन्वर्टर का, क्योंकि उसमें दो रोटेट हैं यानी दो रोटर हैं जो गैस को रोटेट करते हैं, कंप्रेशर करते हैं, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो हमने सेट किया है वो जल्दी अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसकी और खूबियां बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैंने जो इन्वर्टर एसी हमने चलाया था, अब देखिए वो धीरे धीरे एम्पेयर को बढ़ा रहा है। हमने हमारा रूम टेम्परेचर जब हमने एसी को शुरू किया 32 डिग्री सेल्सियस था, और जो हमें तापमान प्राप्त करना है यानी कि मैंने जो तापमान सेट किया है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। अभी 4 डिग्री तापमान कम आ गया है और धीरे धीरे इसके एम्पेयर बढ़ रहे हैं, यानी कि ये अपनी पूरी क्षमता के साथ चलते जा रहा है और धीरे धीरे इसकी एम्पेयर बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे हम हमारे सेट किए हुए तापमान के नज़दीक पहुंचेंगे तो इसकी जो एम्पेयर है, जो करंट जो यह ले रहा है, अपनी पावर कंज्यूम कर रहा है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। यही वो खास बात है जो एक इन्वर्टर या डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर को एक सिंपल एयर कंडीशनर से अलग बनाती है, क्योंकि दोस्तों इसका सिस्टम सीधा साधा है। यह डीसी वोल्टेज पर चलता है और जो इसको बिल्कुल एक ही दिशा में मिलती है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है। उसमें जैसे कि अल्टरनेटर करंट होता है वो ऊपर या नीचे होता रहता है, जिससे कि उस मोटर की, उस कंप्रेशर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। और जो डीसी वोल्टेज होती है वो सीधी समान मात्रा में एक सी मिलती है, ना वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है। इससे उस कंप्रेशर की, उस मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हमारा ये कंप्रेशर जो डुअल इन्वर्टर है या फिर सिंगल इन्वर्टर है, टेम्परेचर जो हमने सेट किया है उसके नज़दीक जाता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो एम्पेयर है, जो लोड है, वो कम होता जाएगा। और बिल्कुल यह एक फ्रिज जितने लोड पर चलता है उतनी एम्पेयर ये लेना शुरू कर देगा। ये पूरी तरह से बंद भी नहीं होगा, आहिस्ता 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 ये चलता रहेगा। और जैसे ही ये अपना टेम्परेचर अचीव कर लेगा, और जब मान लीजिए टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, जैसे हमने 24 डिग्री पर उसे सेट किया और मान लीजिए हमारा तापमान 5 मिनट के बाद 26 डिग्री पर चला गया, तो ये एकदम से कंप्रेशर पूरा लोड नहीं लेगा, ये फिर वही से स्टार्ट करेगा। जैसे 1 एम्पेयर पर ये पहुंचा हुआ था, तो ये धीरे धीरे 1.5, 2, 3 ऐसे ऐसे ये अपनी एम्पेयर बढ़ाएगा, यानी कि ये फुल लोड के साथ नहीं चलेगा। इसलिए अब जब भी इन्वर्टर एसी ले, उसको एक बार शुरू करने के बाद जल्दी जल्दी से बंद ना करें। अगर आपने उसे एक बार शुरू कर दिया है तो आप उसको चलता रहने दें, जिससे क्या होगा कि जब वो अपने टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगा तो वो ना के बराबर आपकी बिजली को खर्च करेगा, जिससे कि आपको यह नहीं है कि आपने 2 घंटे एसी को चलाया और फिर आपने बंद कर दिया, या फिर 1 घंटे के बाद उसे फिर चलाएंगे। इसलिए आप ऐसा ना करें। इसलिए एक बार आपने अगर एयर कंडीशनर को चला दिया है तो आप उसको कंटिन्यू चलता रहने दें। आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे ये आपकी उतनी ही लाइट कम खाएगा। यही एक डुअल इन्वर्टर या फिर सिंगल इन्वर्टर का फ़ायदा है। अभी आप देख सकते हैं 6.9 एम्पेयर अपने फुल लोड पर चल रहा है। कंपनी ने इसका जो लोड है वो 6.7 एम्पेयर तक बताया है, लेकिन देखिए अभी अपने लोड से ऊपर ही जा रहा है। और 27.7 डिग्री हमारा टेम्परेचर रूम का हो चुका है। अभी 24 को आने में इसे काफ़ी मशक्कत करनी है, इसलिए ये अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। तो दोस्तों ये ही एक इन्वर्टर एसी और सिंपल एसी में अंतर होता है, यानी कि जैसे जैसे हम ज़्यादा लंबी दूरी को अचीव करेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जैसे ही हम डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुँचेंगे तो इसकी जो लोड है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और भी कई फायदे हैं जो LG का डुअल इन्वर्टर एसी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कई और फीचर हैं जो इसको और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं अन्य इन्वर्टर या डुअल इन्वर्टर एसी की बजाय। अभी आप देख सकते हैं 6.8 लोड चल रहा है, यानी कि अपनी पूरी क्षमता से यह एयर कंडीशनर कार्य कर रहा है। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि यह हमारी बिजली की बचत कैसे करता है, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं सिंगल इन्वर्टर और डुअल इन्वर्टर एसी में और क्या अंतर है। दोस्तों एक ही कैपेसिटी तक सीमित कंप्रेसर जो सिंगल इन्वर्टर एसी, दोस्तों वो एक ही कैपेसिटी तक सीमित है, यानी कि जो हमने टेम्परेचर सेट कर दिया तो उसी पर ये लगातार रन करता रहेगा, लेकिन कैपेसिटी कम या ज़्यादा की जा सकती है डुअल इन्वर्टर एसी की। ये एक विशेष और खास अंतर है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों कंप्रेसर की स्पीड डुअल की बजाय कम होती है।
तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रहा था कि सिंगल इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेशर है उसकी स्पीड डुअल कंप्रेशर की बजाय कम होती है, और जबकि जो डुअल कंप्रेशर हमारा होता है डुअल इन्वर्टर उसकी स्पीड 800 आरपीएम तक जा सकती है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। ये अभी अपने फुल लोड पर चल रहा है जिसमें अभी आप देख सकते हैं 7.9 एम्पियर यह ले रहा है, यानी कि यह एक सिंपल जो हमारा एयर कंडीशनर होता है उसके समकक्ष यह लोड ले रहा है, लेकिन यह ज़्यादा देर तक नहीं लेगा, यही इसकी खास बात है। 27.2 टेम्परेचर पहुँच चुका है। अब मैं आपको एक और इसकी खासियत बताता हूँ दोस्तों, लाइफ टाइम कम होता है डुअल की बजाय, यानी कि जो सिंगल इन्वर्टर एसी हमारा होता है उसका लाइफ टाइम कम होता है। अब देखिए मैंने इसको 24 डिग्री पर सेट कर दिया है। अभी मैंने जो इसका तापमान मैं आपको बताना भूल गया, मैंने कम कर दिया था ताकि मैं इसका फुल लोड जान सकूं। अभी हमने इसको 24 पर फिर सेट कर दिया है, और अभी आप देखिएगा कि इसकी जो एम्पेयर है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि लोड कम होना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। जैसा मैं आपको बताता कि लाइफ टाइम कम होता है दोस्तों डुअल की बजाय, क्योंकि एक सिंगल रोटर होने की वजह से यह ज़्यादातर लगातार कार्य करता है, इसकी वजह से इसकी जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाता है। और डुअल इन्वर्टर में दोस्तों दो रोटर होने की वजह से कंप्रेसर की लाइफ बढ़ जाती है, इसी वजह से यह कंपनी 10 साल की इसकी वारंटी इसीलिए देती है और 5 साल की पीसीबी वगैरह की वारंटी देती है। अब आप देखिए धीरे धीरे इसका लोड कम होता जाएगा, क्योंकि मैंने 24 पर उसको सेट कर दिया है, इससे पहले मैंने उसको 18 पे कर दिया था, शायद मैं आपको वो बात बताना भूल गया, इसलिए यह अपनी पूरी लोड को प्राप्त कर पा रहा था। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पेयर बहुत कम हो जाएंगे, और मैं आपको खुद आप अचंभा करोगे कि इसका लोड मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल नील लोड आप इसका देख पाएंगे। अभी देखिए 7.7 एम्पियर ये ले रहा है, 27 डिग्री टेम्परेचर है और 24 हमने सेट किया है। और दोस्तों आप ऐसा भी समझ सकते हैं, सिंगल इन्वर्टर एसी और डुअल इन्वर्टर एसी में अगर आप परिभाषित करेंगे तो आप इन्वर्टर एसी का एडवांस वर्जन है डुअल इन्वर्टर एसी, बिजली की काफ़ी बचत होती है इसके अंदर। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता एम्पियर कम होते जा रहे हैं, 7.2 7.1, और देखिएगा आप किसका लोड इतना कम हो जाएगा कि आप खुद अचंभित हो जाएंगे। ऐसा ऐसा यह अपने एम्पेयर कम करता जाएगा, और एक टाइम पर आकर आप खुद देखिएगा इसका लोड कितना कम हो जाता है। दोस्तों इस जो कंप्रेशर होता है इसके अंदर BLDC टाइप DC मोटर होती है, जो अपनी स्पीड को बिल्कुल जीरो कर सकती है और बिल्कुल 100 पर लेकर जा सकती है कुछ ही देर में, और यही वो खासियत होती है इन्वर्टर या डुअल इन्वर्टर एसी में, जो उसको एक सिंपल एयर कंडीशनर की बजाय अच्छा एसी बनाती है। तो दोस्तों देखिए अभी मेरा रूम टेम्परेचर 24.8 डिग्री पर पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं रिमोट में मैंने वही सेट किया है, और हमारा जो एम्पियर का लोड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी 7.7 पर आप देख रहे हैं, और धीरे धीरे आप इसको बिल्कुल कम होता देख पाएंगे। और देखिए अभी हमने तापमान को प्राप्त कर लिया है मेरे सेंसर मीटर के हिसाब से, अभी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि जो कंपनियां डिफरेंशियल सेट करती हैं किसी भी उपकरण का वो 0.2 डिग्री या फिर 0.4 डिग्री पर करती है, यानी कि जो हमने तापमान सेट किया है उसके 2 डिग्री और कम आने पर ही हमारा वो मैकेनिज्म काम करता है जो पीसीबी के अंदर लगा होता है। और भी कई खास बातें हैं दोस्तों, मैं आपको बताता रहूँगा। इंस्टॉलेशन कभी भी आप एयर कंडीशनर लगवाएं सही तरीके से करवाएं, जल्दबाजी में ना करवाएं, उचित स्पेस पर करवाएं, हर चीज़ को आपको देखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए इंस्टॉलेशन करवाते वक्त। तो दोस्तों देखिए 23 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है रूम का, और मैंने इसे 25 पर कर दिया है हमारे डेस्टिनेशन को, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा था 2 डिग्री का डिफरेंस कंपनियाँ देती हैं, और आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एम्पियर है वो कम होती जा रही है, और लास्ट में जाकर ये बिल्कुल नील हो जाएगी। उसके बाद हम ऊपर जाकर चेक करेंगे क्या कंप्रेशर चल रहा है, क्या हमारा फ़ैन चल रहा है, ये सभी बातें आप वीडियो में देखिएगा, और फिर हम निर्णय करेंगे क्या वाकई में एक ड्यूल इन्वर्टर एसी हमारी बिजली की काफ़ी बचत करता है। और मैं आपको यह भी बताऊँगा कि ये हमारा मैक्सिमम कितना बिल आ जाता है एक महीने के अंदर। अगर आप 10 घंटे या 12 घंटे लगभग एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं तो हमारा बिल काफ़ी कम आता है, अगर आप डुअल इन्वर्टर या फिर इन्वर्टर एसी यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए एम्पियर आप बिल्कुल अब बिल्कुल नील हो गई है, यानी कि हमारे कंप्रेशर ने कट ऑफ कर दिया है। अब हम ऊपर जाकर देखेंगे क्या हमारा कंप्रेशर बंद हो गया है या हमारा फ़ैन भी बंद हो गया है, क्योंकि जैसा कंपनी बताती है कि बिल्कुल यह कंप्रेशर जब तापमान अचीव कर जाता है यूनिट तो
जब यह स्टार्ट होता है तो यह एकदम से 8 एम्पेयर लोड नहीं लेता, ऐसा कंपनी का दावा है। और यही वो मेन डिफरेंस कंपनियां बताती हैं कि जब हमारा एयर कंडीशनर टेम्परेचर प्राप्त कर जाने के बाद कट ऑफ करता है और जब वो रीस्टार्ट होता है यानी कि 2 मिनट में या फिर 5 मिनट में, तो वो पूरा लोड नहीं लेता, वो बिल्कुल कम एम्पेयर लेता है और धीरे धीरे ही वो मैक्सिमम एम्पेयर की तरफ जाता है। अभी हम यूनिट के पास पहुँच चुके हैं, आप देखिए बिल्कुल पाइपें दोनों मेरी ठंडी हैं। R32 का रेफ्रिजरेंट का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो इको फ्रेंडली गैस है, इसलिए आप इस यूनिट को जब भी इंस्टॉल करवाएं तो वैक्यूम करने के बाद ही गैस को रिलीज़ करें। फ़ैन बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद है, कंप्रेशन में भी मेरे को कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा। अभी हम इस पर आगे और जाँचेंगे। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल फ़ैन बंद है, अभी मैं फ़ोन करूँगा और नीचे इंस्ट्रक्शन दूंगा कि इसके तापमान को बढ़ाया जाए। और देखिए फ़ैन चलना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे फ़ैन चल रहा है क्योंकि मैंने इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है हमारे वीडियो को। फ़ैन की स्पीड भी धीरे धीरे से तेज़ हो रही है और कंप्रेशर भी चलना शुरू हो चुका है। अब मैं नीचे जाकर इसके एम्पेयर को हम जाँचेंगे, क्या ये एम्पेयर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या फिर एकदम से बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से यह हमारी बिजली की बचत करता है हमारा इन्वर्टर एसी। जो इन्वर्टर एसी अभी आप देख रहे हैं ड्यूअल टाइप इन्वर्टर एसी है और यह 5 स्टार है, तो यह बिजली की काफ़ी बचत करता होगा ऐसा कंपनी का दावा है और यही हम जाँचेंगे। तो दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी आप देख सकते हैं एम्पेयर मीटर पर 2.4 एम्पेयर आपको नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे ही यह अपने लोड को आगे बढ़ा रहा है क्योंकि मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया है, शायद मैंने 18 डिग्री पे टेम्परेचर कर दिया है और अब यह धीरे धीरे अपने एम्पेयर को बढ़ाएगा। इसमें कई ऐसे फीचर हैं दोस्तों जो काफ़ी बिजली की बचत करते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनमें 5-in-1 एक मोड होता है, उसके अंदर आप इस एसी को 1 टन भी कर सकते हैं, इसको 1.5 टन भी कर सकते हैं, वो एक दमदार मोड है, उसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप देखिए धीरे धीरे इसके एम्पेयर बढ़ रही हैं, अभी 3.2 एम्पेयर पर यह पहुंच चुका है और लगभग इस पर मेरे को ये स्टैंड होता दिख रहा है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए यह 3.3 पर आकर स्टैंड हो गया है। अब यह इसी स्पीड से इसी गति से हमारे कमरे को ठंडा करेगा, यानी कि ना तो यह पूरे 8 एम्पेयर लेगा और ना ही यह बिल्कुल कम एम्पेयर लेगा। देखिए 25 रूम टेम्परेचर है मेरा अभी, जैसा आप टेम्परेचर मीटर में देख पा रहे हैं। अभी हम एयर कंडीशनर के तापमान को देखेंगे, 24 मैंने सेट किया है, अब यानी कि 1 डिग्री का डिफरेंस है और उसी 1 डिग्री को मेंटेन करने के लिए इसने अपना सिर्फ हाफ लोड लिया है, यानी कि 3.6 एम्पेयर की गति से यह चल रहा है, यानी कि ये 50% लोड ले रहा है एक डिग्री के डिफरेंस को कम करने के लिए। अगर यह सिंपल एसी होता तो ये पूरे 8.8 एम्पेयर लेता इस टेम्परेचर डिफरेंस को कम करने के लिए, यही इसकी खास बात है। और दोस्तों देखिए इसने धीरे धीरे लोड को बढ़ाना शुरू कर दिया है, 5.1 अभी एम्पेयर ले रहा है ये, जो इसका एक्चुअल लोड है वो 6.7 एम्पेयर है। 24.3 टेम्परेचर अभी रूम का दिखा रहा है और जैसे ही ये टेम्परेचर अचीव कर जाएगा तो इसके एम्पेयर बिल्कुल कम हो जाएंगी या पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। 5.3 पर यह स्टैंड है, जैसा मैं आपको बता रहा था कि डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर जो LG का यह मॉडल नंबर है, इसके अंदर 5-in-1 मोड है, उसमें आप इसकी कैपेसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका 1.5 टन का एसी है उसे आप 1 टन पर भी ला सकते हो। उस एसी को 1 टन के बाद आप 1.5 टन भी कर सकते हो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आपके कमरे में 10 हमारे पर्सन हैं तो आप इसे 1.5 टन की कैपेसिटी पर चलाएँ, उसके लिए आप 5-in-1 मोड में जाएँ और उसे 80 डिग्री पर अगर आप कर देंगे तो ये आपका 20% आपकी बिजली की बचत करेगा। अगर आप उसी मोड को, यानी कि अगर 10 आपके पर्सन आपके कमरे में हैं तो यह 1.5 टन की कैपेसिटी पर काम करेगा और अगर इसे आप 60 डिग्री पर ले आएंगे तो यह 1 टन की कैपेसिटी का कार्य करेगा आपका एयर कंडीशनर, और अगर इसे आप 40 डिग्री पर ले जाएंगे तो यह 1.5 टन की कैपेसिटी का काम करेगा एयर कंडीशनर। यह भी बिजली की बचत का एक नायब फार्मूला कंपनी ने आपको दिया है, यानी कि आप अपनी लोड के अनुसार इसकी क्षमता को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप इसे 1.5 टन तो है ही है ये आपका, अगर आप इसे 1 टन भी कर सकते हैं, आप इसे 1.5 टन भी कर सकते हैं, तो यह आपके इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आपको अपने एयर कंडीशनर से कितनी कैपेसिटी का कार्य लेना है। आप देख सकते हैं 5.2 5.3 इसके समकक्ष ही है एम्पेयर चल रहे हैं, यानी कि यह है
एक मीडियम लोड पर चल रहा है। आप इसे मान सकते हैं कि अभी यह 1 टन के एयर कंडीशनर के बराबर ही आपकी बिजली खर्च कर रहा है। 23.7 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है रूम का। आप देखिए इसने फिर कट ऑफ कर दिया है, सिर्फ 0.3 ये चल रहा है, जो कि आपके इंडोर के फैन का लोड भी हो सकता है। आपका इस वक्त पे कंप्रेसर भी बंद है और उसका जो फ़ैन है वो भी बंद है। जैसे ही मैं इसकी कैपेसिटी को टेम्परेचर की कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा तो ये फिर दोबारा से एम्पेयर पर चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और इसे मैंने फिर से 27 डिग्री पर कर दिया है और मेरा रूम टेम्परेचर 28 डिग्री दिखा रहा है। अभी आप देख सकते हैं 1.5 एम्पेयर। यह एक बड़े फ्रिज के समान लोड अभी ले रहा है, जैसा हम सुनते आए हैं और जैसा कंपनी बताती है कि एक फ्रिज के लोड के बराबर आपका एयर कंडीशनर कार्य करेगा। तो यह उसी लोड पर अभी फ़िलहाल चल रहा है, एक बड़े फ्रिज जितना लोड यह ले रहा है। 27 डिग्री टेम्परेचर हमने सेट किया था हमारे एयर कंडीशनर के अंदर और अभी मेरा जो तापमान है कमरे का वो 28 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 डिग्री के टेम्परेचर को डिफ्रेंस को ये ख़त्म करने के लिए अपने बिल्कुल एक सामान्य लोड पर चल रहा है, यानी कि 1.5 1.4, और इसी लोड पर यह इस कमरे को ठंडा कर देगा, यानी कि जो एक का डिफरेंस है वो ये ख़त्म कर देगा। और अगर यह सिंपल एयर कंडीशन होता तो दोस्तों ये पूरे लोड पर चलता और लगभग 5 या 6 मिनट ये चलता। यही वो खास बात है इस डीसी कंप्रेसर में, ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर में, सिंगल इन्वर्टर कंप्रेसर में। जो सिंपल एयर कंडीशनर कंप्रेसर होता है वो जैसे ही कट ऑफ करेगा टेम्परेचर आने के बाद, वो जैसे ही टेम्परेचर को दोबारा प्राप्त करने के लिए उठेगा तो वो अपने फुल लोड पर उठेगा। तो दोस्तों देखिए अभी आप एम्पेयर मीटर में 1.1 लोड दे सकते हैं, जो कि एक छोटे फ्रिज के बराबर है। अभी सुबह के 5 बजे हैं, अभी मेरा एयर कंडीशनर बिल्कुल एक फ्रिज के लोड के अनुसार चल रहा है। मैंने 27 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है हमारे एयर कंडीशनर के अंदर और हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो अभी लगभग 28 डिग्री के आसपास है, 27.8 डिग्री वो दिखा रहा है। यानी कि मेरे एयर कंडीशनर ने लगभग सारी रात इस टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल फ्रिज के जितना लोड ही लिया होगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं 1.1 एम्पेयर, जो कि एक छोटे फ्रिज के बराबर होता है लगभग। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वर्टर एसी है या ड्यूल इन्वर्टर एसी है कैसे बिजली की बचत करता है और इसके लगाने का क्या फ़ायदा है। अगर आप एयर कंडीशनर अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो आप इन्वर्टर या फिर ड्यूल इन्वर्टर एसी ही लगवाएं। और दोस्तों देखिए अभी टेम्परेचर मीटर 26.9 टेम्परेचर दिखा रहा है, बिल्कुल हमारे 27 से कम हो गया है। और आप एयर कंडीशनर का लोड चेक कर सकते हैं 0.8 एम्पेयर, यानी कि एक छोटे फ्रिज के समान जितना यह करंट यानी कि ऊर्जा अभी इस्तेमाल कर रहा है इस कमरे को ठंडा करने के लिए, जो कि बिल्कुल कम है। अभी आप देख सकते हैं आउटडोर का ब्लोअर फैन चल रहा है, हमारा फ़ैन चल रहा है और हमारा कंप्रेसर भी रन कर रहा है। कोशिश करूँगा कि आपको उसकी आवाज़ सुनवा पाऊँ। आप देख सकते हैं हमारी लिक्विड लाइन भी ठंडी है और सेक्शन लाइन भी ठंडी है। मैं आपको यहाँ भी लोड दिखा रहा हूँ इंडोर के लोड से निकाल कर। अभी आप देख सकते हैं 0.5 एम्पेयर, फ्रिज से भी कम लोड है अभी फ़िलहाल। तो दोस्तों यह है ख़ास बात इन्वर्टर एसी या फिर ड्यूल इन्वर्टर एसी की। यह बिजली की इतनी बचत करता है कि आप अगर 12 से 15 घंटे भी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एक महीने में 1000 या 1200 रुपये की बिजली ही खर्च होगी, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल निरंतरता में नहीं किया। ये जो सभी एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं अभी फ़िलहाल के ही हैं और इसलिए मैंने इस पर ये सही चीज़ें करने की कोशिश की है, ताकि मैं भी कन्फर्म हो पाऊँ और आपको भी बता पाऊँ कि इन्वर्टर एसी बिजली की बचत कैसे करता है। यानी कि यह आपके हाथ में है कि आप एक्सेलेटर पर जितना पैर रखेंगे आपकी गाड़ी उतनी ही स्पीड से दौड़ेगी। और यही डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर की खास बात होती है कि उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है और बिल्कुल वो 800 आरपीएम तक भी पहुंच जाती है। फ़ैन भी देखिए बिल्कुल आराम से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, यानी कि जितना लोड है, जितना अभी रिक्वायरमेंट है आपके कमरे में टेम्परेचर को प्राप्त करने का, उसी हिसाब से यह रन कर रहा है और बिल्कुल एक फ्रिज से भी कम लोड यह ले पा रहा है, जो कि विश्वसनीय है। और वाकई में टेक्नोलॉजी निरंतरता अपना सबूत पेश कर ही देती है किसी भी संदर्भ में।
तो दोस्तों कोशिश थी कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बता पाऊँ। कुछ कमियां रह गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा ताकि मैं उनमें सुधार कर पाऊँ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। फिर वही जो बातें जो जरूरी हैं, किसी भी एसी के इंस्टॉलेशन के वक्त आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इंस्टॉलेशन सही तरीके से करवाएं, जल्दबाजी में ना करवाएं। जैसा अभी आप आउटडोर देख रहे हैं, यह बिल्कुल ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पर सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती। कोशिश कीजिए कि सूर्य की रोशनी सीधी ना पड़े आपकी हीटिंग कोयल पर, यह हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद पाइप अगर बढ़ाएँ तो लिमिटेशन में ही बढ़ाएं। दोस्तों वैक्यूम के बिना गैस रिलीज ना करवाएं, इस बात को गांठ बांध लें। वैक्यूम करने के बाद ही आप अपने यूनिट में गैस रिलीज करवाएं, ऐसा टेक्नीशियन से कहें। और टेक्नीशियन से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वैक्यूम करने के बाद ही गैस रिलीज करें। और दोस्तों अगर आप एयर कंडीशनर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिए इन्वर्टर या डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही आप अपने लिए चयन करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऊर्जा की बचत करेंगे इससे आपकी जेब में भी फ़ायदा पहुंचेगा और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि दोस्तों अगर एयर कंडीशनर लगातार उच्च क्षमता पर कार्य करता रहेगा तो उसके हिसाब से हमारे जो थर्मल है यानी कि जहाँ से बिजली बनती है वो भी पूरे लोड पर चलते रहेंगे। अगर लोड कम होगा तो हमारे थर्मल को भी आराम मिलेगा, से हमारा जो CO2 है वो कम बनेगा और हमारी ओजोन परत को और हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी विराम चिन्ह लगेगा। इसलिए अगर आप एयर कंडीशनर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप ड्यूल इन्वर्टर या फिर सिंगल इन्वर्टर AC का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस विषय पर भी जरूर सोचें, पर्यावरण को बचाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।